वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। क्या वॉल्यूम और वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार जरा मेंशन कर दीजिए कि क्या सब कुछ सही है, कहीं वॉल्यूम इको तो नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ किसी टाइप का। आई थिंक सर सब कुछ क्लियर है, मुझे लग रहा है ऐसा। चलिए ठीक है, आई होप सो सब कुछ क्लियर हो। क्लियर है, ओके। चलिए थैंक यू सभी को, फिर से वेरी गुड इवनिंग। और आज का जो टेस्ट है फिर से कार्डेटा का रखते हैं, उसके बाद से फिर कोई नया टॉपिक देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर है, ओके। सभी को वेरी गुड इवनिंग, और चलिए फिर क्लास जो है वो टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। और किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कुछ भी। चलिए ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी। पूछा गया है आपसे कि कौन से ऐसे एनिमल हैं जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइला, एडीज, क्रैब, ये क्या ये तीनों जो हैं वो सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, क्या ये तीनों बिलोंग करते हैं सेम कैटेगरी से। सी पेन, सी फैन या सी हेयर, ये या फिर सैंड वर्म, राउंड वर्म और एस्कैरिस, ये तीनों जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं एक फैमिली से या फिर एक कैटेगरी से। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सही आंसर क्या है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे जी हाँ, बिल्कुल बी इसका जो है वो सही आंसर, इसका जो है वो बी रहेगा। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है जी, इकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल सही। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आपको पता होगा हाइला को हम लोग बोलते हैं ट्री फ्रॉग। जान लीजिए ना कि ये सब अलग अलग क्यों हैं, ठीक है। हाइला जो होता है ये होता है आपका ट्री फ्रॉग। अब एडीज जो होता है तो मॉस्क्यूरो होता है, ये तो आर्थ्रोपोडा में आएगा, आप लोग समझ सकते हैं। अब ट्री फ्रॉग ये तो भैया एम्फीबिया में आता है, और ये मॉस्क्यूरो तो हो गया आपका आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, ये हो गया आपका मॉस्क्यूरो। हाँ इसका बी आंसर जो है वो सही है, ठीक है। और ये आर्थ्रोपोडा का, और क्रैब जो होता है ये भी आर्थ्रोपोडा का ही है, ठीक है, ये भी आर्थ्रोपोडा और ये भी आर्थ्रोपोडा। तो ये देखिए अलग हो गए, ये अलग है, ये दो एक है, तो इसका ये नहीं होगा, ठीक है। सी पेन, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, ये सारे जो होते हैं ये इकाइनो डर्मेटा के मेंबर हैं ये, ठीक है। तो इसका बस ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो सही है, लेकिन तीन गलत क्यों ये भी हम देख लेते हैं। सी पेन, सी फैन और सी है। देखिए सी पेन और जो सी पेन और सी फैन है ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं ये निडेरिया के हैं, ठीक है, ये निडेरिया के हैं, ये किसके हैं, ये निडेरिया के हैं, ठीक है। और जो सी हेयर है ये आपका होता है ये मोलस्का का है, ये किसका है, ये आपका है, ये किसका है, ये मोलस्का का है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये निडेरिया के दो हैं, ये किसका है, मोलस्का का, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए राउंड वर्म को ही कहते हैं एस्कैरिस, ठीक है, राउंड वर्म को ही बोलते हैं हम लोग हैं एस्कैरिस, लेकिन ये जो सैंड वर्म है ये होता है आपका एनिडिडा का, ये किसका है, ये आपका एनिडिडा है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन जो है वो ही सही रहेगा, क्योंकि इसी के तीनों मेंबर जो हैं वो इकाइनोडर्मेटा के हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। इन ऑस्टिक्थीज ग्रुप्स, देखिए ऑस्टिक्थीज, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ऑस्टिक्थीज क्या है। ये जो है ये फिशेस के होते हैं, ऑस्टिक्थीज में आती हैं आपकी बोनी फिशेस। ऑस्टिक्थीज में कौन आता है, इसमें आती हैं आपकी बोनी फिशेस। देखिए थोड़ा सा कुछ याद करते हुए ही चलना है इसको पूरा, ठीक है। ऑस्टिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज जो होती है वो होती है कार्टिलेजस फिशेस, और ऑस्टिक्थीज जो होती है ये होती है बोनी फिशेस, ठीक है। ग्रुप क्या पूछा गया है,
चार ऑप्शन देंगे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, क्या ऑस्टिक्थीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अभी मैं फिर से वो लेकर के आया हूँ, कुछ लोग जो जिन्होंने नहीं याद किया है या फिर पहली क्लास है जिनकी, तो वो लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स आर मोर, ठीक है, देखिए प्लेकॉइड स्केल क्या उसमें ज्यादा होते हैं, या फिर गिल्स कवरिंग इज फाउंड, क्या उसमें गिल की कवरिंग पाई जाती है, या फिर एयर ब्लडर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्या होता है? हाँ चलिए, बिल्कुल सही आंसर सबका आ रहा है, गिल कवरिंग इज फाउंड। देखिए इसमें गिल कवरिंग जो होती है वो पाई जाती है, गिल कवरिंग को हम लोग बोलते हैं ऑपरकुलम, गिल्स के ऊपर एक ढक्कन टाइप का लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरकुलम, ठीक है। तो ये ऑपरकुलम जो होता है ये बोनी फिशेस जो होती हैं, यानी कि जो ऑस्टिक्थीज में होती हैं उनमें पाई जाती है ऑपरकुलम, लेकिन जो कार्टिलेजस फिश होती हैं उनमें ऑपरकुलम नहीं पाया जाता, मतलब गिल्स के ऊपर जो ढक्कन होता है वो उनमें कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं पाया जाता है। इसके लिए हमने आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक भी हमने आपको बताई थी, ठीक है, वो शायद कुछ लोगों को याद भी हो। हमने कहा था कि बोनी फिशेस को याद करने के लिए जो ये है, ओ तेरी एक्स अमोनिया आप बाल सी बनी हो, ये बोनी फिश के करेक्टर हैं। ओ से बोनी फिश जो होती है ये ओवी पेरस होती है, जब बोनी फिश ओवी पेरस होगी तो जाहिर सी बात है जो कार्टिलेजस होगी, कॉन्ड्रिक्थीज जो होगी, जो कार्टिलेजस होगी वो कैसी होगी, वीवी पेरस हो जाएगी। तेरी से होता है टर्मिनल माउथ, तो बोनी फिश में माउथ हो जाएगा टर्मिनल, और लेकिन जो कॉन्ड्रिक्थीज जो होती है इसमें वेंट्रल माउथ, ये भी ये करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है कि वेंट्रल माउथ जो होता है किसमें पाया जाता है, तो कि बोनी फिश में या कार्टिलेजस फिश में, तो कार्टिलेजस फिश जो होती है उसमें वेंट्रल माउथ होता है। वेंट्रल माउथ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधे यहाँ पे, जैसे कि ये छिपके ये है वेंट्रल माउथ, तो उसके नीचे माउथ होगा ये, यहाँ पे ये माउथ होता है, और टर्मिनल माउथ का मतलब होता है बिल्कुल सीधा माउथ होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। एक्स पे होता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल नहीं होता है किसमें, कैसा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, चलिए, और जो इंटरनल होता है वो इसमें होता है कॉन्ड्रिक्थीज में होता है। अमोनिया से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। अब यूरिया किसका हो जाएगा, ये कॉन्ड्रिक्थीज का हो जाएगा। आपसे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरकुलम किस में होता है, तो बोनी फिश जो होती है उनको होता है, बोनी फिश को हम लोग बोलते हैं टिलियोस, ठीक है, और ऑपरकुलम ऑप्शन होता है किसमें, कार्टिलेजस फिश में होता है। बाल सिर्फ एयर ब्लडर जो होता है प्रेजेंट होता है किसमें, बोनी फिश में, और ऑप्शन किसमें होता है, ये होता है आपका कार्टिलेजस फिश में। सी फॉर जो होता है ये साइक्लॉइड स्केल, टेनॉइड स्केल जो होते हैं ये इसमें बोनी फिश में जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, प्लेकॉइड भी होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोनी फिश में जो बोनी फिश में साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, थोड़े बहुत जो होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल भी पाए जाते हैं, लेकिन प्लेकॉइड स्केल ज्यादा किसमें होते हैं, तो भैया वो होते हैं किसमें, वो होते हैं आपके कॉन्ड्रिक्थीज में, ठीक है। सपना जी टेस्ट पर डे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्टरनेट चलता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं इसमें भी, ठीक है। आगे जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो पर डे भी कर देंगे, ठीक है, अभी अल्टरनेट ही चलने दीजिए भैया, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बनी से हो जाएगा कब, बोनी फिश, हो से हो जाएगा होमो सर्कल, इसका हो जाएगा हेट्रो सर्कल, तो ये भैया याद कर लीजिएगा, इससे आपके कम से कम एक या दो क्वेश्चन 100% जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन से भी आपको कम से कम एक दो क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं यहां से आपको मिल जाएंगे। पूछा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट है तो इसका मतलब कोई ना कोई फर्स्ट भी होगा, और ना कोई जो होगा वो थर्ड भी होगा, ठीक है, कोई ना कोई फर्स्ट भी हो, तो अभी आप लोगों को बताना है फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा है, ठीक है, और सेकेंड भी आप लोगों को बताना है, और चलिए चाहिए तो आप लोग थर्ड भी बता दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर सब लोग बता सके तो भैया अच्छी बात रहेगी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा भी कुछ लोग बता रहे हैं भैया, आर्थ्रोपोडा नहीं मोलस्का, सेकेंड वाला जो है वो मोलस्का है, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मोलस्का, मोलस्का जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, तो भैया फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है आपको ये बताना है, फर्स्ट जो है वो है आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो है आपका आर्थ्रोपोडा है, सेकंड जो है आपका मोलस्का है, तो थर्ड भी आप लोग कोई बता दीजिए तो अच्छी बात रहेगी, मैं आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है।
आर्थ्रोपोडा फर्स्ट इज मोलस्का, हाँ थर्ड इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा तो नहीं है, फाइलम जैसे देखिए वैसे जो मुझे याद है वो तो मैं जो कॉर्डेटा मुझे मैंने पढ़ा है, कॉर्डेटा थर्ड जो है वो लार्जेस्ट जो है कॉर्डेटा है, ठीक है जहां तक। चलिए ठीक है देख लेते हैं जरा, अच्छा ठीक है इसको थर्ड वाले पे देखते हैं, कुछ कंफ्यूजन आ रही है ठीक है, कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन मुझे भी हो सकती है ठीक है। जहां तक मुझे याद था इंसेक्टा क्लास है, जो लोग इंसेक्टा लिख रहे हैं वो इंसेक्टा क्लास है, यहाँ पे फाइलम पूछा गया है ठीक है, फाइलम पूछा गया है ठीक है, देख लेते हैं इसको देख देंगे ठीक है। हाँ जहां तक मुझे तो याद है कार्डेटा ही है, चलिए देखते हैं ओके कार्डेटा ही होगा जहां तक। हाँ अच्छा एक यहाँ पे चलिए अच्छा एक चीज और याद कर लीजिए अगर आप लोग याद कर पा रहे हैं तो, यहाँ पे एक आता है स्मॉलेस्ट फाइलम ठीक है, स्मॉलेस्ट फाइलम कौन सा है, स्मॉलेस्ट फाइलम कौन सा है, स्मॉलेस्ट फाइलम चलिए अगर ये हो सकता है किसी को याद हो तो प्लीज लिख दीजिएगा ठीक है, स्मॉलेस्ट फाइलम कौन सा है, स्मॉलेस्ट फाइलम चलिए मेरे किताब स्मॉलेस्ट फाइलम जो है वो है आपका प्लेकोजोवा, प्लेकोजोवा ठीक है, प्लेकोजोवा नहीं भैया थर्ड जो है वो कार्डेटा ही है ठीक है, थर्ड फाइलम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फाइलम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ठीक है, बाकी सब लोग आप लोग कुछ और वो पढ़ रहे होंगे। नहीं स्मॉलेस्ट फाइलम टीनोफोरा नहीं है, स्मॉलेस्ट फाइलम जो है वो प्लेकोजोवा है, और इसके सिर्फ और सिर्फ ओनली ओनली वन मेंबर, ओनली वन मेंबर जो है इसका सिर्फ फाउंड है केवल ठीक है, ये अमीबा की तरह ही लगभग लगभग दिखता है ठीक है, ये चाहे तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नहीं कोई है, एग्जाम्पल मुझे नहीं आते कोई, बट एग्जाम्पल आएगा भी नहीं, अगर आएगा तो सबसे ये भी आएगा कि स्मॉलेस्ट फाइलम कौन सा है, तो भैया वो प्लेकोजोवा है ठीक है, थर्ड ये इस पे असमंजस बना हुआ है ना थर्ड फाइलम वाले पे, तो देख लीजिएगा ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे व्हाट्सएप नंबर पे इस पे भेज दीजिएगा जो भी आपका आंसर है। चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, प्लेकोजोवा स्मॉलेस्ट है ठीक है। चलिए ये एक क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं, द साइक्लोस्टोम्स आर, साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेराइन एंड नॉन माइग्रेटरी, फ्रेश वाटर फॉर्म एंड नॉन माइग्रेटरी, मेराइन एंड माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, या फिर फ्रेश वाटर एंड माइग्रेट टू सी फॉर स्पॉनिंग, ये इसका हम पूछ भी चुके थे, अगर किसी का गलत हुआ हो तो भैया यहाँ पे आप लोग सही कर सकते हैं, बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखूंगा जो आपसे मैं पूछ चुका हूँ ठीक है, तो ये भी देखते रहिए कि हाँ पहली बार जब मैंने पूछा था तो क्या गलत हुआ था क्या, या इस बार जो पूछा हो तो सही हो गया है क्या ठीक है, तो ये भी क्योंकि पिछले क्वेश्चन का भी सही होना जरूरी है। ये मेराइन होते हैं ठीक है, साइक्लोसिस्टम्स की इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये मेराइन होते हैं और माइग्रेट करते हैं किसकी तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ करते हैं जब, अब ये स्वम्पिंग की तरह ठीक है, स्पॉनिंग करने के लिए ये मेराइन से फ्रेश वाटर की तरह, अरे इसीलिए इनको बोलते हैं एनाड्रोमस क्योंकि ये हमारी तरफ आते हैं तो ये एनाड्रोमस होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव ये है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश आल्सो नोन एज अ ग्रेट व्हाइट शार्क, हमने इसको याद करने के लिए आपकी एक ट्रिक भी मैंने बताई थी कि ग्रेट व्हाइट शार्क को क्या कहते हैं, देखिए भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ठीक है, आया भी हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में ठीक है। हाँ एनाड्रोमस वो होता है ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव बताइए कि भैया ग्रेट व्हाइट शार्क जो होती है उसको क्या कहते हैं, प्रिस्टिस ठीक है, ट्राइगॉन, क्लेरियस या फिर करकेडॉन, हमने आपको बताया भी था, इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी
डी आंसर इसका सही है, करकरे डॉन से आपको नहीं लगना, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट मतलब बहुत बड़ी सी कोई शार्क है और अगर आपके ऊपर बैठ गई वो तो भैया आप क्या हो जाएंगे, करकरा जाएंगे ना, जैसे कोई कोई बहुत बड़ी चीज जो होती है किसी पर बैठ जाती है तो करकर कर की आवाज आती है, तो ग्रेट व्हाइट शार्क बहुत बड़ी शार्क होती है ये, अगर आपके ऊपर बैठ गई तो भैया क्या होंगे, आप करकरा जाएंगे बिल्कुल, आपकी हड्डी पसड़ी जो है वो करकरा देंगे, चूरा बन जाएगा, तो करकरे डॉन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसी बात पर। अब हम आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, भैया सही स्टेटमेंट, देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था क्वेश्चन करने का तरीका क्या, करेक्ट और इनकरेक्ट देखिए उसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इस पे नजर जल्दी जाती नहीं है, करेक्ट वाला तो इतना नहीं होता लेकिन जहां पे इनकरेक्ट हो, इनकम्प्लीट हो, नॉट लगा हो, नो लगा हो, इम्पॉसिबल हो, उस तरह के जो है वर्ड को तुरंत ही आप नोटिस कर लें। पूछ रहा है कि सही, सही पूछा गया है क्या है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन टीनोफोरा, क्या टीनोफोरा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्लैस्पर इज मॉडिफाइड फॉर्म स्केल्स इन स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन जो डॉगफिश होती है इसमें क्या होता है ये क्लैस्पर पाया जाता है, तो क्या वो भैया स्केल का मॉडिफिकेशन है। फिर आपसे पूछा गया है, फिर आपसे पूछा गया है साइक्लोस्टोम्स हैव टीथ एंड बॉडी इज स्केललेस, साइक्लोस्टोम्स के जो है वो उनके पास दांत होते हैं और उनकी बॉडी जो होती है उनकी स्केललेस होती है, रेडुला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडा, ये तो भैया उससे पहले थे तो पक्का आप लोगों ने काट दिया होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट पूछा गया है, तो देखिए भैया हाँ बहुत लोग कन्फ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हैं, इसका सही आंसर है वो है आपका आंसर सी, सही जो आंसर है वो है आपका आंसर सी, साइक्लोस्टोम्स हैव टीथ और इनके पास देखिए दांत होते हैं इसीलिए जो साइक्लोस्टोम्स, एक सेकेंड, हैव टीथ, नो 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 सॉरी सॉरी ये तो ए ग्रंथा में आते हैं, सॉरी 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 ये किसमें आते हैं, ये तो ए ग्रंथा में आते हैं, इसका सही आंसर बी ही होगा, सॉरी मैं इसमें ध्यान नहीं दिया मैंने, चलिए इसको मैं जरा सा रब कर देता हूँ, ठीक है इसका जो है वो वही करेक्ट पूछा है ना, तो टीथ जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं इनके पास जो दांत होते हैं वो नहीं होते हैं, हाँ बिल्कुल दांत जो होते हैं वो इनके नहीं, तो टीथ वाला तो आपका इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भैया मिलान करना है, अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा क्योंकि आप खुद इसको देखेंगे, लिस्ट ए और लिस्ट बी आप दोनों को जो है इसको मिलाएंगे, ठीक है, लिस्ट ए और लिस्ट बी जो है वो जो होते हैं आप इनको, हाँ वो जॉलेस होते हैं, बिल्कुल वो जॉलेस होते हैं, वो बाय मिस्टेक निकल गया मेरे मुँह से, चलिए कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हैं हम इसके लिए। चलिए आप इसको जो है वो इसको वो मिलाइए इसको तब तक आप लोग, देखिए फिर से हम देख लेते हैं स्टारफिश, हो सकता है आप लोग ना मिला पाए, देखिए स्टारफिश, स्टारफिश जो होती है इसके पास जो होते हैं वो ट्यूब फीट होते हैं, और ये देख लीजिएगा ये पूछ रहा है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, चलने के लिए क्या होता है, ठीक है, तो चलने के लिए जो होता है इसके लिए जो है वो ट्यूब फीट होते हैं, और स्नैल, स्नैल के पास हमेशा जो होते हैं वो फूट होते हैं वो मस्कुलर फूट होते हैं, स्नेल के पास हमेशा मस्कुलर फूट होते हैं, और देखिए ये जो सी वॉलनट जो होता है जो टीनोफोरा इनको हम लोग कहते हैं कॉम जेली, तो इसमें इसमें कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं, नेरीज जो होते हैं इनके ये होते हैं पैरापोडिया, तो ए का तीसरा इन तीनों में है, ठीक है, और फिर बी का पहला इन दोनों में है, सी का चौथा इसी में है केवल है, तो ये आंसर आपका जो डी वाला है वो सही हो जाएगा, ठीक है, ये इस पे ध्यान रखेंगे ये मस्कुलर फूट होते हैं, कभी भी आप लोग अगर स्नेल को चलते हुए देखिए तो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, उसमें देखो मस्कुलर फूट उसके अंदर होते, आप लोगों ने जब बीएससी में अगर किया होगा तो प्रैक्टिकल उसका किया होगा आप लोगों ने, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर आठ कंप्लीटली एक्वेटिक एम्फीबिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए इसको मैंने जो है वो दोबारा रखा हुआ है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है, ठीक है, तो कंप्लीटली एक्वेटिक आपको पता है एम्फीबिया जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं उभयचर,
क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं उभयचर, मतलब कि ये जो होते हैं ये ना तो कम्प्लीटली एक्वाटिक है ना तो कम्प्लीटली ये लैंड पे आ चुके हैं, ये रहते तो लैंड पे ही हैं। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बन सकता है कि ऐसे ग्रुप का नाम बताइए जो रहते तो जमीन पर है लेकिन कुछ कुछ टाइम के लिए इनको पानी में भी जाना पड़ता है, तो वो भैया एम्फीबिया ही हैं। ये अपना जीवन जो है बिल्कुल लैंड पे कर सकते हैं लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना होगा, रिप्रोडक्शन के लिए इनको हर हाल में वाटर जो है वो चाहिए होता है। अच्छा क्या कोई बता सकता है क्या इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जो है वो क्यों चाहिए होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एम्फीबियंस को वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्यों होती है, इनको पानी में क्यों जाना पड़ता है ये रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्या ऐसा उनमें एब्सेंट होता है या फिर क्या नहीं होता है कि उनको एम्फीबियंस को पानी में जाना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है चलिए बिल्कुल वेमेश जी, अगर आपका पिछली बार गलत हो गया था तो इस बार सही होगा। बिल्कुल सेलेमेंडर जो होता है ये कम्प्लीटली एक्वाटिक होता है। ठीक है अच्छा बताइए टाइगर सेलेमेंडर का नाम, टाइगर सेलेमेंडर इसका नाम बताइए, मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, टाइगर सेलेमेंडर का नाम बताइए, टाइगर सेलेमेंडर। पूजा शुक्ला एमनियन नहीं होती, बिल्कुल एमनियोटा। अलका उपासना फर्टिलाइजेशन के लिए, जहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए क्यों जाते हैं कि ऐसा क्या है ये जमीन पे क्यों नहीं कर सकते हैं, एमनियन ठीक है। शशि वर्मा आयोडीन नहीं, नहीं आयोडीन नहीं, फॉर रियली एग, तो पानी में ही क्यों ये एग देते जा करके हैं, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल आकांक्षा गुप्ता सही, चेतना गौतम बिल्कुल एनमेटिक फ्रूट अब नहीं होता है, चेतना गौतम एम्बाइस्टोमा बिल्कुल सही, जो टाइगर सेलेमेंडर है इसको हम लोग बोलते हैं एम्बाइस्टोमा। ठीक है मोहम्मद अजीम ठीक है, हेमरता बिल्कुल सही, एम्बाइस्टोमा ठीक है बिल्कुल सही, टाइगर सेलेमेंडर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्बाइस्टोमा। ठीक है जया कंचन अलका आमिर किरण रूपाली ठीक है सभी का, संतोष अजय ठीक है, अजय जी आपका फॉर लेइंग एग, एग के लिए जाते हैं लेकिन क्या करने एग क्यों देते हैं? देखिए इनके दो काम, ये दो चीज इनमें दो चीजें जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं इसीलिए ये लोग जाते हैं कि कहाँ पे पानी में। ठीक है नंबर एक जो सबसे बड़ी चीज है कि वो इनके में जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो एमनियन मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। एमनियन मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से इसमें मॉइस्चर जो होता है वो अंडों में नहीं बना रहता है। ठीक है ये हो गया सबसे, अगर ये लोग अंडे अपने जमीन पर दे देंगे, अगर अंडे अपने जमीन पर दे देंगे तो इनके अंडे सूख जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एमनियन नहीं होता है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं भरा होता है, तो इसीलिए इनको पानी, इनको मॉइस्चर के लिए इनको पानी चाहिए होता है। ठीक है और दूसरी चीज क्या होती है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइज करने के लिए क्या होता है, ये देखिए जब कभी आप मेढक के देखिए तो मेढक जो होते हैं वो मेढक अपने स्पर्म भी बाहर निकालता है और उसी टाइम पे फीमेल जो होती है वो एग्स भी बाहर निकालती है, तो वहीं पर उनका जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है चलिए ठीक है, हाँ ड्राई हो जाएगा ठीक है। और देखिए जैसे कि जो सांप हो गया, छिपकली हो गए, इनके अंडे देखिए आपके घर में मिल जाएंगे, क्योंकि इनके अंडों में क्या हो गई, एमनियोटिक में जो फ्लूइड भर गया है और एमनियन भी पाई गई। ठीक है वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल रिजेंबलेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, भैया बताना है आपको कि रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल में ऐसा रिजेंबल मतलब होता है समानता, इन द कैरेक्टर्स ऑफ देयर, क्या इनमें समानता पाई जाती है? ऑक्सीपिटल कंडाइल में समान होता है, होम्योथर्म होते हैं, पोइक्रोथर्म होते हैं या फिर एमनियन, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर क्या होगा? ठीक है बिल्कुल सही, जो लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, आपका जो इसका जो आंसर है वो डी है। अभी मैंने कहा देखिए एम्फीबिया की बात, देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले थी फिशेस, ठीक है ये पानी में थी, फिर आप ही आए एम्फीबिया, फिशेस से क्या बने एम्फीबिया बने, फिशेस से क्या बने एम्फीबिया बने, एम्फीबिया से क्या बन गए रेप्टाइल बन गए, एम्फीबिया से क्या बन गए रेप्टाइल बन गए। ठीक है और रेप्टाइल से फिर दो ब्रांच निकली, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रेप्टाइल से ही बर्ड बने हैं और रेप्टाइल से ही क्या बने हैं
मैमल्स। आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि मैमल जो है किससे बने हुए हैं, तो रेप्टाइल से बने हुए हैं, बर्ड से नहीं बने हुए। मैमल किससे बने हुए हैं? रेप्टाइल से बने हुए हैं। बर्ड्स किससे पूछता है कि बर्ड्स की ओरिजिन किससे हुई है, तो रेप्टाइल से हुई है बर्ड्स की ओरिजिन। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ ये बिल्कुल वाटर में, ये जो होते हैं आधे पानी में आधे लैंड पे। रेप्टाइल्स जो है क्वेश्चन पूछा जाता, क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रू लैंड एनिमल फर्स्ट लगा होना चाहिए। फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल का मतलब जो बिल्कुल इनको पानी की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके रेप्टाइल्स। ठीक है, हाँ, मोनोकंडालिक उनमें होता है रेप्टाइल। ठीक है, बिल्कुल इसका हो जाएगा एमनियन, क्योंकि देखिए यहाँ से जितने लोग भी हैं सब अपने अंडे जो हैं वो जमीन पर देने लगे थे, तो इसीलिए क्या होगा, ये एमनियन इनमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भैया जी। क्वेश्चन नंबर 10, एज ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, एज ऑफ एम्फीबिया हमने आपको बताया थी, क्वेश्चन ये रिपीट किया है क्वेश्चन, ये सीपीएमटी का भी काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और इसमें टीजीटी और पीजीटी में भी आ चुका है क्वेश्चन कि भैया एम्फीबिया, एज ऑफ एम्फीबिया हमने आपसे कहा था कि जब जैसे कि फिशेस जब बहुत हो गई तो कुछ लोग आगे कहाँ पे बाहर निकल के आगे, तो उनको बोल देगी एम्फीबिया। जब एम्फीबिया भी उस टाइम पे बहुत हो गए थे तब बने थे क्या, तब बने थे रेप्टाइल। तो एज ऑफ एम्फीबिया किसे कहा जाता है? अभी भी कुछ लोग जो है इसको गलत आंसर कर रहे हैं, जबकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से रिपीटेड पूछा हुआ है। ठीक है, इसका सही है आंसर डी, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में एम्फीबिया जो थे वो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, कार्बोनिफेरस जो है, कार्बोनिफेरस, एज ऑफ एम्फीबिया। देखिए हमने आपसे ओरिजिन नहीं पूछा है, आपसे ओरिजिन अगर पूछता मैं तो आपका होता डिवोनियन। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, बट एज ऑफ एम्फीबिया, एज ऑफ एम्फीबिया जो है वो होता है आपका कार्बोनिफेरस। किरण जी, अगर आपको ये याद नहीं होता है तो जब ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो मैं ये पढ़ा दूंगा, तो इसको ट्रिक के साथ मैं याद करा दूंगा। ठीक है, एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक बनी हुई है इसकी। ठीक है, जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट वो जब ये पढ़ाया जाएगा आपको, तो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और वो आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एज ऑफ फिशेस जो होती हैं वो डिवोनियन था, बिल्कुल सही। किसने कहा है? प्रियंका यादव जी, बिल्कुल सही है। एज ऑफ फिशेस जो है वो क्या हो जाएगा आपका? डिवोनियन हो जाएगा। ठीक है, नीलम पांडे जी आप गलत जगह आ गई हैं, ये जीआईसी जीएस की क्लास नहीं है, ये जो है जीआईसी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास हो रही है, यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। जीएस के लिए हम आपको बता दें, ल्यूसेंट बुक पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रही प्लीज। जीएस के लिए कोई बहुत बड़ी मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीएस जो है वो बहुत ज्यादा है। जीएस में अगर आप करंट अफेयर देखें तो कम से कम आपके 10 क्वेश्चन जो है, 8 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आएंगे। करंट अफेयर के लिए बहुत से यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए और बहुत अच्छा करंट अफेयर जो है उसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, और यूपी का उसमें खासकर, और उसमें जैसे जो ना इकोलॉजी भी आएगा आपके जीएस में, इकोलॉजी भी आएगा। अगर आपने इकोलॉजी अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके जीएस के भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन जीएस के सही हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आपको हो जाएगा। चैप्टर कब स्टार्ट होगा? चैप्टर कब स्टार्ट होगा अभी तो पता नहीं है, अभी तो फिलहाल फाइलम चल रहे हैं, जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आइडेंटिफाई एनिमल ए। भैया एनिमल ए को आइडेंटिफाई करना है विच फाइलम बिलोंग भी। देखिए एनिमल ए तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, इसको जो नहीं कर पाएगा भैया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसको। आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस के ये सब आपने लेबलिंग भी यहाँ पे की होगी। तो ये बेलेनोग्लासेस तो है ही 100%। ठीक है, लेकिन ये दो में दिया हुआ है। बेलेनोग्लासेस किसका है, हेमिकार्डेटा का है या सिफेलोकार्डेटा का? तो भैया सबको पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये बेलेनोग्लासेस जो होता है ये हेमिकार्डेटा का मेंबर है। ठीक है, तो ये बेलेनोग्लासेस जो हो जाएगा वो हेमिकार्डेटा का मेंबर है। एनसीईआरटी पढ़ा दें, बिल्कुल पढ़ा देंगे, हमें टाइम मिलेगा हम बिल्कुल पढ़ा देंगे एनसीईआरटी का, हम सब कुछ पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है, बस टाइम ही तो नहीं मिल पाता है। पेरेंटल केयर शो, पेरेंटल केयर कौन शो करता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है, पेरेंटल केयर जो है वो
कौन शो करता है, ठीक है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन भी हैं, देखिए टीजीटी में एनसीईआरटी है और बीएससी का है, एमएससी का, सब कुछ मिक्स आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग आपको सेलेक्टिव जगह जगह से चीज को ला करके आपको एक वे में देते हैं, ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बीएससी का भी पढ़ेंगे, एमएससी का भी पढ़ेंगे, तो पढ़ते रह जाएंगे साल भर, क्योंकि तीन साल में आपने बीएससी की, दो साल में आपने एमएससी किया है, तो कैसे फिर पाँच साल का आप पाँच छः महीने कैसे पढ़ पाएंगे, ये भी है ना। तो बट जो वहाँ से निचोड़ जो होता है वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सबके आंसर ये सही हैं, और कुछ लोगों ने गलत कर भी दिया है, ठीक है। मैं देख रहा था कि किसका ये गलत होगा, और मैं जिसका गलत होगा मैं उसका नाम यहाँ पे ज़रूर लूँगा। चलिए बिल्कुल, ये आरएस एजुकेशन को ही है, इनका गलत है, ठीक है। संगीता यादव गलत, अंकिता गलत, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा जल्दबाजी में हैं, शायद उनको कहीं जाना है इसीलिए वो चारों ऑप्शन पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो इसीलिए उनका जो ये क्वेश्चन है वीएस कुमार आपका भी गलत है। ये हम आपसे पहले भी बता चुके हैं भैया कि चारों ऑप्शन जो है पढ़ने की डालिए हैबिट। यहाँ पे भी हिप्पोकैम्पस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे मेल हिप्पोकैम्पस लिखा है, तो भैया इसमें फीमेल नहीं से मेल करती है, ठीक, मेल करता है, ठीक है, ये ध्यान दे लीजिए, ठीक है। नीतू राठी जी, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो यहाँ पे आप पूछ सकती हैं, ठीक है, मुझसे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे पूछ सकते हैं। फीमेल हिप्पोकैम्पस अपने है कि मेल के अंदर, हाँ बिल्कुल, उसे क्या बोलते हैं जो ये उसका जो पाउच होता है उसे क्या बोलते हैं, मेल हिप्पोकैम्पस, मेल हिप्पोकैम्पस के अंदर क्या एक पाउच होता है, उसे क्या, उस पाउच का नाम बताइए। नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, कुछ क्वेश्चन हाँ रिपीट कर दिए हैं मैंने, क्योंकि कार्डिया का 6 लेक्चर है तो कुछ क्वेश्चन रिपीट तो करेंगे ना, देखें तो कितने लोग जो है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, साउंड इको तो नहीं हो रहा होगा मुझे लगता है, साउंड इको नहीं हो रहा है, अगर आपको इको हो रहा है तो फिर से आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। ब्रूड पाउच, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किडनी ऑफ पिसीज, भैया जो मछली होती है हमने आपको एक दिन बताया था, ये हमने कहा था ये होता है नेफ्रोटोम्स, ये था नेफ्रोटोम, ये प्रो, ये प्रोनेफ्रिक, ये बीच का मीजोनेफ्रिक और ये लास्ट का मेटानेफ्रिक होता है, ठीक है। मीजोनेफ्रिक किसकी थी, प्रोनेफ्रिक किसकी थी, और इसकी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि किसकी जो होती है वो पिसीज जो होती है उसकी कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक किस चीज का पूछना है, क्लास का या फिर टेस्ट का, चलिए मीजोनेफ्रिक ऑप्शन नंबर बी, जो मीजोनेफ्रिक होती है किडनी की, जो किडनी होती है मीजोनेफ्रिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 तो ठीक इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने रख दिया, और मुझे लगता है सब लोग ये बता भी लेंगे। तो ये सी जो है ये तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्या है, ये गिल्स है, ठीक है, ये गिल्स है। डी जो होती है ये क्या है, कि ये है पोस्ट एनल टेल या फिर पार्ट जो भी कहें, ठीक है। बी देखिए इंपॉर्टेंट, बी और ए में रहता है, देखिए जो बी वाला है, जो ये बी है ना, ये जो बी वाला होता है ये है आपका नोटो कॉर्ड, और ऊपर जो होता है ये है आपका नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, तो ए नर्व कॉर्ड है, बी नोटो कॉर्ड है, तो भैया यही वाला जो है आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए हमने आपसे कहा था डायग्राम की तरह ही बिल्कुल उसको रखा गई है, डायग्राम में ही सब कुछ आप बढ़ सकते हैं। ये देखिए जो है ये क्या है, ये सीएनएस, ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी, ये क्या है सीएनएस, नर्व कॉर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इसके जो भरा तो ये न्यूरोसिल कैविटी होती है, और इसके जो अंदर भरा होता है वो क्या होता है, सीएसएफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये देखिए कैसे डॉर्सल होती है, हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, चेंज इन सीएनएस, जो बाद में चेंज होती है किसमें, सीएनएस में होती है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले मैंने एक पूछा था क्वेश्चन कि आपसे कि नोटो कॉर्ड जो होती है क्या होती है, डॉर्सल या वेंट्रल। देखिए अब आप लोग कुछ लोगों ने वेंट्रल लगाया था, ये क्या है, ये है नोटो कॉर्ड। देखिए नोटो कॉर्ड क्या है, नोटो कॉर्ड जो होती है डॉर्सल साइड में ही होती है हम लोगों में, लेकिन नर्व कॉर्ड के वेंट्रल होती है। एक किस अच्छे क्वेश्चन का इंतजार कीजिए,
अच्छे क्वेश्चन का इंतजार कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आने वाला है। कब आएगा मुझे नहीं पता, क्वेश्चन ऐसा भी आने वाला है कि जो नोटो कार्ड होती है वो वेंड्रल के किस तरह, सॉरी जो नोटो कार्ड होती है सबको पता है नर्व कार्ड और नोटो कार्ड होती है वो कॉर्डा में डॉर्सल साइड पे होती है, डॉर्सल तरफ क्या होती है नर्व कार्ड और नोटो कार्ड। लेकिन क्वेश्चन अच्छा अगर बन गया घुमावदार तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर ये कि जो नोटो कार्ड होती है वो नर्व कार्ड के किस तरफ होती है, नर्व कॉर्ड के वेंट्रल में है, नर्व कॉर्ड के डॉर्सल में है। तो नर्व कॉर्ड को लेकर अगर पूछा जाए तो नर्व कॉर्ड के वेंट्रल में है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, बस खत्म होने वाला है सीआर टेस्ट, ठीक है, कॉर्ड खत्म हो जाएगा फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है इसको सुन लीजिए प्लीज, डॉर्स नर्व कॉर्ड अगर आपसे पूछा जाए, नोटो कॉर्ड पूछा जाए किस तरफ है, तो भैया डॉर्सल साइड में है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नोटो कॉर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड से, नर्व कॉर्ड के किस तरफ है, डॉर्सल में कि वेंट्रल में, तो नर्व कॉर्ड के वेंट्रल में, नर्व कॉर्ड के, देखिए ये नर्व कॉर्ड है और नर्व कॉर्ड के वेंट्रल में क्या है, नोटो कॉर्ड है, ये अगर पूछा है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा गया है कि नोटो कॉर्ड और नर्व कॉर्ड किधर है, तो डॉर्सल साइड में ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोइक्लोथर्म, पोइक्लोथर्म को ही हम लोग बोलते हैं कोल्ड, ब्लडेड एनिमल। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो जिसका खून जो होता है वो इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। देखिए ध्यान से देखिए, पोइक्लोथर्म जो होते हैं इनका, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। बाहर ठंडा तो इनका ब्लड भी ठंडा, बाहर गर्म तो इनका ब्लड भी गर्म। लेकिन जो होम्योथर्म होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। टॉर्टॉइस, बिल्कुल, क्योंकि टॉर्टॉइस क्या होता है, ये रेप्टाइल है, ये क्या है, रेप्टाइल है। व्हेल क्या है, व्हेल जो भैया है ये मैमल है। ऑटर क्या है, ये भी मैमल है। पेंगुइन क्या होता है, ये बर्ड। और सिर्फ बर्ड और मैमल यही दो होते हैं होम्योथर्म, बाकी सब जो होते हैं वो पोइक्लोथर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, होम्योथर्मल एनिमल्स आर, कौन से ऐसे हैं जो होम्योथर्मल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शायद मैं पूछ चुका हूँ जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। होम तो बस जहां देख रहे, जहां पे आपको बर्ड्स और वो दिखे, बर्ड्स और क्या दिखे, जहां पे आपको बर्ड्स और मैमल दिखे, बस आप वहीं पे समझ जाइए क्या होगा, वहीं पे ये होम्योथर्म होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाँ बिल्कुल सही, ए है पिजन, बैट और रैबिट, ये सब कैसे हैं, मैमल और उसमें आ जाएंगे ये। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर, ये भी मैं पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के रखिएगा। बताइए, देखिए वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को भी दो डिवीजन में बांटा गया है, एग्नेथा और गनेथोस्टोम, ध्यान दीजिएगा, एग्नेथा और गनेथोस्टोम। एग्नेथा, ए मतलब अब्सेंट, गनेथा मतलब जबड़ा, जिनमें जबड़ा नहीं होता है, इनको फिर बांटा गया है दो क्लास में, और कौन सा वो क्लास है, दो क्लास के नाम। और जो फर्स्ट वाला क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, इस क्लास में जो जितने भी आते थे वो सबके सब क्या हो गए हैं, वो सबके सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, ठीक है। ये ग्रेथोस्टोम सुपर क्लास, दो सुपर क्लास बनाए गए हुए हैं, ये कौन सी, कौन सा है और डी कौन सा है। सी वाले में देखिए कॉन्डिक्थीज और ऑस्टिक्थीज आता है, और डी वाले में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और मैमेलिया आए हुए हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ ये देखिए क्या है, हाँ चलिए ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्माई, साइक्लोस्टोम, पिसीज और टेट्रापोडा, बिल्कुल सही, यही वाला, ये जो है ऑस्ट्रेकोडर्माई, बी वाला जो है वो ये साइक्लोस्ट्रोमा, सी वाला जो है पिसीज, और डी और टेट्रापोडा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया अभी था इसको, ठीक है, ये आप लोग जब पीडीएफ में भेजूंगा टेलीग्राम पे तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। जो लोग अभी टेलीग्राम पे नहीं ऐड है तो भैया प्लीज ऐड हो जाइएगा, रेस बायोलॉजी के नाम से टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आप क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो मैच करना है, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 बिल्कुल ऑस्टियोकोटोमाइज होते हैं खत्म, यानी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग पढ़ के साइक्लोस्टोम कैसे होते हैं, वो होते हैं एक नेथा, ठीक है।
एवीज जो होते हैं, एवीज 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 में क्या हो जाएगा आपका, जो एवीज होते हैं, एवीज किसमें, वो आता है आपका टेट्रापोडा में, ठीक है। ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स जो होते हैं भैया, ये हेमिकार्डा में आते हैं ट्यूनिकेट्स, सॉरी सॉरी ट्यूनिकेट नहीं, एक सेकेंड, ट्यूनिकेट नहीं आते हैं उसमें, तो वो आते हैं, सॉरी सॉरी बेलनोग्लासस, ये आता है हेमिकार्डा में। ट्यूनिकेट जो आते हैं वो यूरोकार्डा में आते हैं, और जो ऑस्टिथीज होती है ये पिसीज में आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं भैया, चलिए किसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 वाला बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 19, नेफ्रिडिया, मेलपिजिन ट्यूबुल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया और किडनी। देखिए किडनी जो होती है वो तो अगर आप लगा सके तो भैया किडनी जो होती है तो शार्क में आती है, अगर ये आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मेलपिजिन ट्यूबुल्स जो अगर आपको पता तो ये जो कॉकरोच होते हैं इनमें आते हैं, ये मेलपिजिन ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो नेफ्रिडिया जो होते हैं वो हो जाएगा आपका जो ये लीच, प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है ये आपका हो जाएगा, जो सी वाला हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोटोनेफ्रिडिया, ये इसमें राउंड वन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए भैया ठीक है, आज के लिए इतना ही रहा, ठीक है। कॉलरा जब हम फ्राइडे को टेस्ट रहेगा आपका, तो देखते हैं कॉलरा रहता है या फिर कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी, ठीक है। और ये पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखिए बता देंगे किस चीज़ का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, टेलीग्राम पे इससे आप जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको पूरी मिल जाएगी। चलिए ठीक है, ओके, चलिए सभी को थैंक यू, और आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया, क्योंकि शायद इतना डाइजेस्ट कर लें आप लोग, अच्छी बात रहेगी, ठीक है।